नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेके आए हैं। गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारे बच्चे आईटीआई के बाद सीधे सीआईटीएस में एडमिशन लेना चाह रहे थे, जैसा सीआईटीएस से तात्पर्य है जो आईटीआई में आपके जो टीचर्स रहते हैं उनको हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, तो जो इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे थे और सीआईटीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। डीजीटी ने, जैसे पहले क्या था, चाहे आप आईटीआई करें, चाहे पॉलिटेक्निक करें, चाहे बीटेक करें, आप सीधे सीधे जाके जो सीआईटीएस कॉलेज होते हैं हमारे, जिसमें इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है, जिनको हम एनएसटीआईज आईटीओटीज कहते हैं, उसमें सीधे सीधे एडमिशन ले लेते थे। मगर इस सेशन से डीजीटी ने इसमें कुछ चेंजेस करे थे। डीजीटी ने कहा था कि जो पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले हैं वो तो सीधे सीधे एडमिशन हमारे सीआईटीएस कॉलेज में ले सकते हैं, मगर जो हमारे आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको एक और दो साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक साल का किनके लिए था, जैसे हमारी जो दो साल की ट्रेडें होती हैं, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ से कोर्स करके आ रहा है तो उसको एक साल का जॉब का एक्सपीरियंस लेना था, फिर उसके बाद उसको एंट्री मिलती हमारे सीआईटीएस के जो कॉलेजेस हैं एनएसटीआईज में। और जो हमारे एक साल के कोर्सेज थे, जैसे हमारा स्टेनो हो गया, कोपा हो गया, उनको भी उनको दो साल का एक्सपीरियंस लेना था अगर वो सीआईटीएस कोर्स करना चाह रहे हैं तो। मगर बच्चों की समस्या को देखते हुए, ठीक है, आप लोगों की तरफ से बहुत डिमांड आई इस तरफ से, तो डीजीटी ने आपको राहत दी है इस विषय में, इस साल आपको राहत मिली है। तो अगर कोई बच्चा हमारा सीधे एडमिशन लेना चाह रहा है सीआईटीएस कोर्सेज में, तो अब आपको एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। डीजीटी ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर आपको अप्लाई भी करना है तो आप इसी वेबसाइट में आएंगे, nimionlineadmission.in, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो आ रहे हैं आपके, एडमिशन शेड्यूल और रिलैक्सेशन ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ से मैं आपको गुड न्यूज़ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये है आपकी गुड न्यूज़, सब्जेक्ट रिलैक्सेशन रिमूवल ऑफ एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम फ्रॉम सेशन 2024-25 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सीधे सीधे कह रहा है जो हमने एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया लगाया था सीआईटीएस कोर्स के लिए उसको हम हटा रहे हैं। This is to inform all candidates and stakeholders that in order to facilitate a smoother and quicker transition for aspiring instructors from CTS to CITS, encourage more candidates to pursue CITS courses and increase the number of qualified instructors in ITIs, thereby contributing to a more skilled workforce, it has been decided to remove the existing experience requirements for NTC NSC holders seeking admission under CITS. इसमें यही लिखा है कि जो हमारे NTC और NSC वाले बच्चे हैं जो ITI का सर्टिफिकेट लेके आए हैं उसके लिए हमने हटा दिया है, जिससे हमारे ITI के बच्चे और ज़्यादा एनकरेज हों CTI करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था इसमें क्या लिखा है, फॉर कैंडिडेट्स विद अ 2 ईयर NTC NSC। इसका मतलब क्या, जो हमारे फिटा इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं उस पर इन्होंने कंडीशन लगा दी थी कि उनको एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अब इसको इन्होंने रिवाइज कर दिया है कि इसमें अभी इनको कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो हमारे एक साल वाले बच्चे थे, जैसे कोपा हो गया, स्टेनो हो गया, वेल्डर हो गया, उनसे दो साल का एक्सपीरियंस मांग लिया था, अब वो भी इन्होंने हटा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया है कि CITS एडमिशन जो है वो उसकी कंडीशंस हमने रिवाइज कर दी हैं, और कोई भी क्वारी अगर हो तो आप यहाँ पर जाके उससे पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो था आपकी गुड न्यूज़। उसके बाद अब आपकी डेट्स क्या हैं, तो इन्होंने डेट्स भी रिवाइज करी हैं, क्योंकि कई बच्चे जो हैं अब ज़्यादा अप्लाई करेंगे हमारे, तो आपकी डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया है। तो अब अगर जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो अभी भी CITS में रजिस्टर करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो अब वो देर ना करें, क्योंकि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आपका 15 जून से शुरू हो गया था और इसकी डेट बढ़ा के 21 जुलाई तक कर दी गई है। ठीक है, आज 13 जुलाई है जब मैं वीडियो, सॉरी आज 14 जुलाई है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये 21 जुलाई तक आपके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आप इसको जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं इसके लिए 28 जुलाई से आपके शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ में आपके एडमिट कार्ड होंगे, और 4 अगस्त को आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो होगा। ठीक है, 8 अगस्त को आपके हाथ में रिजल्ट होगा, और 12 अगस्त से आपकी काउंसलिंग वगैरह सब शुरू हो जाएगी। बाकी इसमें इनकी और प्रोसेस भी है, ट्रांसफ़र का, काउंसलिंग का, ये सब फिर आगे की बातें हैं, ये जब हमारा सेशन चलेगा तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक,
अब कई बच्चे चाहेंगे कि हाँ आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई के लिए कहीं नहीं जाना है, ठीक है। आप क्या करें, निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन में आएँ, यहाँ पे आपको सीधे सीधे लिंक मिल रहा है CATS 2024 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है ये खुल जाएगा, यहाँ से आप इजीली अपने आप को खुद से रजिस्टर कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो हमारे ITI के बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम चाहेंगे कि आप एक अच्छे अनुदेशक बन के उभरें और CITS का कोर्स आप सक्सेसफुली कर पाएँ। तो ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम टीम इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी, एंडिंग द वीडियो, थैंक यू।